हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी टेक चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, विंडोज़ 11 में स्क्रीन सेवर को कैसे एनेबल करते हैं और कैसे चालू करते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। अभी तक आपने फूडी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको विंडोज़ की यानी स्टार्ट की में जाना है, प्रेस करना है। उसके बाद आपको दिखेगा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको पर्सनलाइजेशन पे, पर्सनलाइजेशन में आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको लॉक स्क्रीन दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा आपको स्क्रीन सेवर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। स्क्रीन सेवर पे इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सक रहे हैं आपका जो विंडोज़ है शट डाउन हो जाएगा, यानी आप एक मिनट छोड़ देंगे तो इस तरह से आपको 3D नज़र आ रहा है। यहाँ पर विंडोज़ उस तरह से आपको नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे आप फोटोज़ भी रख सकते हैं और टैक्स भी रख सकते हैं। मैंने 3D टैक्स सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों। इस तरह बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 3D टैक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दूँगा 5 और इसको आप एनेबल कर दूंगा। और यहाँ पर इस अप्लाई पे क्लिक करना है दोस्तों और ओके पे क्लिक कर देना है अप्लाई, और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो सिस्टम है थोड़ी देर आप छोड़ देंगे, एक मिनट या दो मिनट, उसके बाद आपका जो स्क्रीन सेवर है वो आपको 3D में नज़र आएगा दोस्तों, 3D टेक्स्ट में नज़र आएगा। मैंने एग्जांपल आपको बताया हूँ, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।